गुड़ी पड़वा के मौके के लिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ केसर पिस्ता श्रीखंड बनाने की रेसिपी। गुड़ी पड़वा के मौके पर श्रीखंड पूरी बहुत सारे घरों में बनाया जाता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिश है, खास गुड़ी पड़वा के मौके के लिए। तरह तरह के फ्लेवर में श्रीखंड मार्केट में मिलते हैं, हम बनाते भी हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ केसर पिस्ता श्रीखंड बनाने की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाते हैं। इस रेसिपी की खास बात यह है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और झटपट ये श्रीखंड बनके तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम दही जमा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने करीब 2 लीटर दूध ले लिया है, गुनगुना गर्म कर लें। उंगली डिप करने के बाद अगर आप उसकी गर्माहट सहन कर पा रहे हैं, यानी कि उतना ही गर्म दूध हमें लेना है। और यहाँ पर ये देखिए, एक बार मैंने इसे स्टर कर लिया ताकि समान रूप से इसकी जो हीट है वो सब जगह फैल जाए। और अब यहाँ पर ये देखिए, मैंने एक और बार दूध टेस्ट कर लिया है। अब इसे मैं छान लूँगी ताकि कोई भी इस तरह से मलाई के टुकड़े हैं तो ये निकल जाए, नहीं तो इससे श्रीखंड का जो टेक्सचर है वो ख़राब होगा। तो अब यहाँ पर मैं 2 चम्मच दही का पानी यहाँ ले रही हूँ, इसे डालूँगी। तो इससे दही जो है हमारी खट्टी नहीं होगी। इसे डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर इसे मैं छोड़ दूंगी करीब 3 से 4 घंटे के लिए। दही अच्छी तरीके से सेट हो जाए फिर इसे फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रख देने से दही और गाढ़ी हो जाती है। तो एक बार दही हमारी सेट हो जाए, ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ढक्कन लगाकर छोड़ दिया, फ्रिज में रख दिया था। तो फ्रिज में रखने के बाद अब आप देख सकते हैं कि दही कितनी गाढ़ी है। स्पैचुला में मैं इस तरह से निकाल कर दिखाऊंगी, ये देखिए एकदम केक की तरह ये कट के बाहर आ रहा है। अब यहाँ पर श्रीखंड बनाने के लिए एक सूती कपड़ा ले लिया है और नीचे एक बोल रख लिया है। इसमें पूरा का पूरा दही मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। दही को हमें अच्छी तरीके से छान लेना है, लेकिन दबा कर नहीं, इसे सूती कपड़े में डालकर अगर कहीं आप टांग सकें तो करीब 4 घंटे के लिए इसे टांग दें, या तो फिर आप इसे इसी तरीके से सूती कपड़े में बांधकर किसी स्ट्रेनर के ऊपर रख दें 3 से 4 घंटे के लिए, तो सारा का सारा पानी इसमें निकल जाएगा। 3 से 4 घंटे बाद आधे घंटे के लिए कोई भारी वाली चीज़ इसके ऊपर रख दें ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा पानी हो तो वो भी निकल जाए। तो जितना अच्छा इसका मॉइस्चर लॉस होगा उतना गाढ़ा और क्रीमी हमारा श्रीखंड बनेगा, इस बात का ध्यान देना है। तो जितना हो सके उतना पानी इसका निकाल लें। ये देखिए यहाँ पर सूती कपड़े को इस तरह से मैं लपेट लूँगी और गांठ बांध के इसे मैं स्ट्रेनर के ऊपर रख दूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास कहीं भी टांगने की जगह नहीं है तो मुझे स्ट्रेनर के ऊपर ही रखना है, सावधानी से रखना है ताकि ये कपड़े में से बाहर ना आए। और यहाँ पर इसे इसी तरीके से मैं छोड़ दूँगी। गर्मी के सीज़न में आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं ताकि ये खट्टा ना हो, ठंड के मौसम में वो तकलीफ़ नहीं होती है। तो यहाँ पर अब मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कि पानी सारा का सारा निकल गया है, दही करीब करीब आधी हो गई है। फुल फैट मिल्क मैंने यूज़ किया है, तब भी ये हंकड़ आप देख सकते हैं कि कितना कम है जितना दही हमने यूज़ किया था उसके मुकाबले। तो यहाँ पर अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। अब श्रीखंड बनाने के लिए और 2 लीटर दूध का मैंने दही जमा कर इस तरीके से हंकड़ बना लिया था। तो अब यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून केसर के धागे लिए हैं, गुनगुना दूध इसमें डालकर छोड़ दूंगी करीब 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे कि इसका जितना भी फ्लेवर और कलर है वो निकल जाए। यहाँ पर ये देखिए हंकड़ तैयार है और अब मैं इसे बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी ताकि इसे हम आसानी से मिक्स कर सकें। दूसरी तरफ मैंने 4 कप चीनी लिया है, उसे मैंने पीस कर उसका पाउडर बना लिया है। हंकड़ भी आप देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा दिख रहा है। तो अब यहाँ पर ये हंकड़ भी इस कप के मेजरमेंट से करीब करीब 4 कप है, तो उस हिसाब से ही मैंने चीनी को पीस कर लिया है। तो अब यहाँ पर इस कटोरी की माप से चीनी यहाँ पर डालूँगी हंकड़ में। ये कटोरी का माप और मेजरिंग कप का माप एक ही है, तो चीनी पहले 4 कप डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी। केसर के धागे जिसे मैंने दूध में भिगो कर रखा था उसे डाल दूँगी। यहाँ पर इलायची मैंने नहीं डाला हुआ है, ये ऑप्शनल है। अगर आप इलायची का फ्लेवर पसंद करते हैं या डालना चाहते हैं तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर केसर का फ्लेवर और पिस्ता एसेंस मैंने यूज़ किया है, उसे डालकर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पिस्ता है तो इसीलिए ज़रा सा मैंने हरा रंग यूज़ किया है। तो यहाँ पर अगर आप फूड कलर यूज़ कर रहे हैं तो आप केसर रंग भी डाल सकते हैं, जिससे कि केसर के रंग का इफ़ेक्ट आ जाएगा और पिस्ता से आप इसे गार्निश कर सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर इस श्रीखंड को बनाया जा सकता है, मैंने यहाँ पर इसे हरा रंग दिया हुआ है। तो दोनों तरीके से आप श्रीखंड बना सकते हैं। और अगर आप फूड कलर नहीं डालते हैं तो ये भी रंग काफ़ी खूबसूरत है,
देख सकते हैं आप यहाँ पर इस तरीके से भी श्रीखंड को बनाया जा सकता है। मैंने पिस्ता को भिगो कर रखा था, फिर उसका छिलका निकाल कर एकदम बारीक बारीक काट लिया है, फिर हल्का सा भून लिया है, तो इस तरीके से इसका फ्लेवर जो है और भी ज़्यादा खिल कर आएगा। भून लेने से पिस्ता का फ्लेवर और भी ज़्यादा खिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, गर्म पैन में 2 मिनट के लिए भून लें, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता इसे भूनने के लिए। 1 टीस्पून पिस्ता एसेंस डाल दूँगी, इसे मिक्स कर लूँगी यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर रंग के लिए डाल रही हूँ ग्रीन फूड कलर, उसे डालकर मिक्स कर लूँगी। एक बार मीठा आप चेक कर लें, अगर आपको लगे कि मीठा कम है तो थोड़ा सा चीनी का पाउडर यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने करीब 1 बोल चीनी और डाला हुआ है इसकी मिठास को एडजस्ट करने के लिए। और सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं ब्लेंड करने से ही पता चल रहा है कि श्रीखंड की जो कंसिस्टेंसी है एकदम परफेक्ट है, स्टिफ़ पीक्स बन रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से स्टिफ़ पीक्स बनना चाहिए, इसी से पता चलता है कि श्रीखंड बहुत ही परफेक्ट बना हुआ है। मैंने बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर के श्रीखंड पहले भी बनाए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। श्रीखंड से बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग महाराष्ट्रन ड्रिंक बनता है और वो है पीयूष। रेसिपी के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे ज़रूर देखें। बहुत ही रिफ्रेशिंग और टेस्टी लगता है, ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में महाराष्ट्र का ये बहुत ही फेमस ड्रिंक है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मेरा जो पीयूष वाला ड्रिंक है उसमें मैंने केसर फ्लेवर का श्रीखंड यूज़ किया हुआ है, आप कोई भी फ्लेवर का श्रीखंड यूज़ करके बना सकते हैं पीयूष, और बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग है। तो यहाँ पर ये देखिए सारी चीज़ें मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, स्पैचुला की सहायता से पूरा मिक्सचर अच्छे से मिक्स कर लूँगी तले से खींचते हुए। चीनी का पाउडर भी मैंने यहाँ डाल दिया है, इसे भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारा श्रीखंड बनके तैयार है। चीनी का असर अच्छे से हो, अच्छे से चीनी घुल जाए, इसीलिए इसे करीब 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में ऐसे ही छोड़ दें। चीनी धीरे धीरे घुल जाएगी और हमारा जो श्रीखंड है एकदम परफेक्ट मिठास के साथ तैयार हो जाएगा। सर्व करने के लिए इस तरीके से एक बोल में मैं सर्व कर लूँगी और ऊपर से थोड़े से केसर के धागे और बारीक कटे हुए पिस्ता से गार्निश कर लूँगी। चाहे तो आप बादाम से भी गार्निश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेम्पटिंग और रिफ्रेशिंग दिख रहा है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।